नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अनीस आज उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के विकासखंड धर्मापुर ग्राम सभा कबीरुद्दीनपुर में आए हुए हैं। आज हमारे साथ स्वच्छता मिशन पे बात करने के लिए मुन्ना यादव जी हैं मौजूद यहाँ पे, आइए इनसे बात करते हैं। प्रधान जी, भारत सरकार राज्य सरकार की मंशा है कि भारत को स्वच्छ बनाया जाए, डिजिटल बनाया जाए जी। स्वच्छता मिशन की बैठक आप कब करते हैं? लोग हर महीने होती है, हर महीना किया जाता है जी। ब्लॉक से भी लोग आते हैं, गांव से भी सारे लोगों को बुलाया जाता है जी। सारे लोगों को पंचायत में बताई जाती है कि आप लोग अपने घर के अगल बगल आस पड़ोस स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, सफाई करिए अपने घर का। ये आपके बताने से कुछ प्रभाव पड़ा आपके ग्राम सभा में? बहुत प्रभाव है। जिसके यहाँ शौचालय नहीं था, जो सरकार की मंशा के अनुरूप जो शौचालय मिले हैं, सबको दिया गया है, सब बना रहे हैं, बना हुआ है, सब शौचालय में जा रहे हैं, बहुत गंदगी रोड पे नहीं हो रही है। प्रधान जी, शौचालय कितना बना गया? शौचालय तो बना अभी हमारे यहाँ 240 बने हैं, जो कि मेरी ग्राम सभा बड़ी है जी। मेरी ग्राम सभा बड़ी है, 1400 घर है जी। तो सारे लोगों को संभव नहीं है कि एक साथ में दे दिया जाए जी। धीरे धीरे जैसे शासन की तरफ से मिलता रहेगा, सबको दिया जाएगा। लक्ष्य कितने का प्रधान जी शौचालय का? लक्ष्य तो हमारा, आप समझ लीजिए, लक्ष्य तो हमने दिया है कम से कम 300 लक्ष्य और हमारा भी है, 300 लोगों का नाम और फीड कराया गया है, लेकिन अभी हमें मिला नहीं है। 270 मिला था, 240 बन चुके हैं, 30 पे काम चल रहे हैं, इसमें मौजूदा हालत में काम चल रहे हैं। गांव में साफ सफाई का काम विशेष रूप से देखा जाता है, दो सफाई कर्मी हमारे पास हैं, उनको लेके देखते हैं। स्कूल का, पंचायत भवन का, जो भी है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सफाई कर्मी कितने हैं? दो सफाई कर्मी हमारे यहाँ। इतने बड़े ग्राम सभा में दो सफाई कर्मी आपको कम नहीं लगते? नहीं, कम तो है ही है, मेरी ग्राम सभा में कम है। हमने इसके लिए कहीं आपने, हमने डीपीआरओ साहब से बात किया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, एक दो और दे देते हैं। वोटर कितना होंगे प्रधान जी आपके? सर, हमारे यहाँ वोटर तो इस समय 4500 वोटर हैं, 8000 के लगभग जनसंख्या हमारे यहाँ है जी। प्रधान जी, RCC आपके गांव में लगी है? RCC हमारे द्वारा नहीं लगी है, जिला पंचायत द्वारा लगी RCC, जो कि इसमें थोड़ा टूट फूट गई है जी। लेकिन DM साहब ने आदेश किया है कि ग्राम सभा भी कर सकती है। कायाकल्प द्वारा कुछ काम करवाए हैं? कायाकल्प द्वारा सर मैंने स्कूलों में जो बाउंड्री वाल कराया है, बाउंड्री ऊँची कराई है, इंटरलॉकिंग करवाया है, सारे फर्श छत सब मरम्मत करवा दिए हैं। कितने प्रतिशत काम हुआ आपके ग्राम सभा में? हमारे यहाँ कम से कम मान चलिए कि 80% लोग काम करवा चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो चुका है मेरी ग्राम सभा में। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट? सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगवाए थे, करीब 2017 में लगवाए थे, कुछ तो अभी चल रहे हैं, कुछ खराब हो गए हैं जी। हाँ, उसके लिए देख रहे हैं, फिर से सोलर लाइट लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। नाली खड़ंजा कुछ नए लगे हैं, कुछ रिपेयर भी हुए हैं, इंटरलॉकिंग करवाए हैं। प्रधान जी, DM साहब का आदेश है खड़ंजा न लगा के इंटरलॉकिंग। हाँ, DM साहब, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, DM साहब ने ये कहा कि आप जो है नया खड़ंजा नहीं लगाएंगे, इंटरलॉकिंग लगवाइए, वो भी ग्राम सभा के बीचों बीच, जनसंख्या के बीच हो, आबादी के बीच हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने कुछ खड़ंजा का कार्य करवाया है, नया खड़ंजा लगवाए हैं। अब इंटरलॉकिंग में ज़्यादा पैसा लगता है, खड़ंजे में थोड़ा कम पैसा लगता है, लेकिन शासन की मंशा है कि इंटरलॉकिंग ही करवाया जाए या तो फिर ICC करवाया जाए, तो हम लोग वही करवा रहे हैं जी। इससे संतुष्ट हैं अपना? हम तो संतुष्ट हैं, शासन की जो मंशा होगी हम तो वही करेंगे ना। प्रधान जी, आवास कितना बना है प्रधानमंत्री आवास? आवास तो हमारे यहाँ 40 बने हैं, कंप्लीट हो गए हैं 40 को कंप्लीट है। सूची दिए था 40 की सूची नहीं, सूची और लग, जैसे शेख सूची एक बनी थी 2011 की जनगणना के तहत, एक सूची बन के हमें मिली थी जी। जो पिछले प्रधान द्वारा, उससे पहले जो प्रधान थे उनके द्वारा बनाई गई थी। तो जब तक शेख सूची खत्म नहीं होगी तब तक मेरी सूची लगेगी नहीं, अभी तक मेरी सूची नहीं लगी है। हम 60 लोगों का नाम आवास प्लस के नाम पे जो सूची जो है गई है, मेरी ब्लॉक में सूची गई हुई है, अब जिले पे भी गई होगी, फीड हो जाएगी। तो आश्वासन हमें यही मिला है कि आपको जो है मार्च अप्रैल से प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। पंचायत भवन है आपके? पंचायत भवन है हमारे यहाँ। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी भी अभी हम बनवाए, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भी है। ओके, थैंक यू।
रेडी। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा के आसपास स्वच्छता के स्वच्छ केंद्र है? हमारे यहाँ है, यहाँ से दो, हमारे ग्राम सभा से 2 किलोमीटर चोरसन ग्राम सभा है, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। धर्मापुर ब्लॉक जो है हमारे ग्राम सभा से 1.5 किलोमीटर के नज़दीकी है। जी प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में पोखरा तालाब का कुछ काम हुआ है? सुंदरीकरण हुआ है तालाब का, जो है कम से कम 4 तालाबों का हम सुंदरीकरण करवाए हैं, 2 तालाब नया खुदवाए हैं। हमारे यहाँ नहर का माइनर तो है, लेकिन यहाँ पानी हमारे गांव तक नहीं पहुँचता है। एक समस्या हमारी ये भी है कि हमारे यहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है। जी प्रधान जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन अपने गांव सभा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने ग्राम सभा के लिए ये कहना चाहते हैं कि अभी तो जो चल रहा है शौचालय स्वच्छ मिशन वाला, भारत सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो शौचालय हमें और दें। DPRO साहब से रिक्वेस्ट हमारी यही है कि हमें शौचालय और दें, क्योंकि मेरी ग्राम सभा बड़ी है, 1400 घर है, अभी हमें 270 मिला है, जिससे सारे लोगों को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सारे लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी जो है दिक्कत चल रही है, समस्या है। हम चाहते हैं कि कम से कम 300 और मिल जाएँ तो ठीक है। और एक समस्या है सर, हमारे ग्राम सभा में जौनपुर से औढ़ियार एक रेल मार्ग जाता हुआ है जा रहा है, जो अब दोहरीकरण का काम उसका हो रहा है, और हमारी ग्राम सभा दोनों तरफ लगी हुई है, उस रेल पटरी के दोनों तरफ आबादी हमारी दोनों तरफ है। अब आने जाने में हमारे गांव वालों को काफ़ी कठिनाई होती है, बहुत समस्या है, इसलिए हमें एक अंडर पास मिल जाए। हमने जो है DRM साहब से भी बात किया हो, क्षेत्रीय सांसद जी से भी मेरी बात हुई है, दरख्वास्त भी दी है, शासन को जो है रेल मंत्रालय में मैंने भेजा था, तो वहाँ से लेटर आ गया कि आप नियमानुसार कार्रवाई की जाए, तो नियमानुसार में मेरा काम नहीं हो पाया सर। हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे ग्राम सभा में एक अंडरपास मिल जाए, ताकि हमारी गांव की जनता को थोड़ा सा आराम हो जाए, सहूलियत हो जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। अभी बात कर रहे थे मुन्ना यादव जी से, ग्राम प्रतिनिधि। मैं मोहम्मद अनीस, कैमरामैन महफूज खान, RBN न्यूज़ लाइव। सबसे तेज, सबसे आगे, खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए RBNnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।